एक मूवी देखिए प्राइज फाइटर द लाइफ ऑफ जेम ब्लेंचर। तो इस मूवी 2022 में रिलीज हुई थी, लेकिन अब इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। भाई ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है मेरे भाई। स्टोरी फोकस करती है 19 सेंचुरी के शुरू में, जो कि यूके के बादशाह हैं, वो एक गेम करवाते हैं पीगुइज्म। तो इसमें स्टोरी देखने को मिलती है जिम ब्लेंचर की, जो कि अपनी फाइट शुरू कर देता है उस गेम का चैंपियन बनने की तरफ। तो इसके बाद कहानी में क्या कुछ होगा, तो उसी चीज़ को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है। तो भाई मूवी की जब शुरुआत होती है तो हमें रसल क्रॉप दिखाया जाता है, जैक, जो कि उसका ग्रैंड फादर भाई जैक होता है। वो काफ़ी बढ़िया फाइटर था, लेकिन उसको लत लग जाती है भाई शराब की और लड़कियों की। तो जिम की माँ होती है, तो भाई वो भी नफरत करने लग जाती है अपने बाप से, और जो कि भाई इसका बेटा जिम ब्लेंचर होता है, तो उसको वो रोकती है कि अपने दादा से नहीं मिलने का, क्योंकि उसका दादा हमेशा कहता रहता है कि भाई ये बहुत ही बड़ा फाइटर बनने वाला है। और इस मूवी में भी एक चीज़ यही दिखाई जाती है कि भाई वो गिफ्टेड है, ठीक है ना। अब जब जिम ब्लेंचर बड़ा होता है तो उसकी माँ इस स्पोर्ट के खिलाफ होती है, लेकिन वो लड़ना शुरू कर देता है। तो उसे एक कोच मिलता है बिल नाम का, जो कि उसको काफ़ी कुछ सिखाता है। तो इसके बाद भाई वो फाइटिंग सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो जो कि डायरेक्शन है वो भी इतना आपको फील नहीं होता। जिम ब्लेंचर लड़ना शुरू कर देता है तो काफ़ी ब्रूटल सीन हमें दिखाए जाते हैं, और काफ़ी खून ब्लड दिखाया जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी कोरियोग्राफी की गई है, लेकिन कोई ऐसी इम्पैक्टफुल बॉक्सिंग आपको नहीं देखने को मिलती जो कि आप पर शार्प छोड़े। मूवी का जो कि पहला आधा घंटा है, तो उसने मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मूवी ने कनेक्ट किया। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, ये जो जिम ब्लेंचर का करेक्टर है, आप कहीं पर भी इससे इमोशनल कनेक्शन नहीं फील कर पाते, और ये मेरे को इस मूवी का नेगेटिव पॉइंट लगा। तो मूवी सीधी बात बताऊँ, 45 मिनट के बाद मेरा इस मूवी के साथ बिल्कुल ही कनेक्शन टूट गया था। ये बोलूँगा कि अगर आप हम जैसे कि रॉकी सीरीज आ गई, क्रीड है भाई इस मूवी में, तो वो काफ़ी धमाल टाइप मूवीज है भाई, मज़े ही मज़े हैं उनके। बट ये मूवी ने मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं दिया। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि एक एवरेज टाइम पास मूवी मैं इसको बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अभी आपके पास कुछ भी देखने के लिए नहीं है तो आप इस मूवी को चेक कर सकते हैं, वरना इस मूवी को नहीं देखना है मेरे भाई। अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो, 5 में से 2 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।